अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से रहिए। और आज मैं पका रही हूँ एकदम सादा खाना, एकदम भाजी तरकारी। आवाज़ बहुत आएगी आप लोगों को पीछे से हॉर्न की इसकी, और बाहर हमारे इधर खतरों के खिलाड़ी भी चालू है, उसकी भी आवाज़ आएंगी। तो मैं आज पका रही हूँ सेपू की भाजी, करेला और बैंगन का भरता। पर अब है नहीं मेरे पास में लहसुन, लहसुन है पर कम पड़ गए हैं। तो अब मैं राज को भेजी हूँ, अगर राज लहसुन लेके आता है तो मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। ठीक है, अभी शायद लहसुन का भी भाव बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्केट में लहसुन की दर भी नहीं है, लहसुन नहीं मिल रहा है। अभी इंसान क्या खाएगा, क्या बनाएगा, क्या खरीदेगा, क्या बचाएगा, कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर वही अपना सादा, जैसा आप सब बनाते हैं अपने घर में, मैं भी वैसी बनाती हूँ। करेला काट के ले ली हूँ, उसको नमक डाल के थोड़ा धो के रखी हूँ। और सेपू की भाजी में डालूँगी मूंग की दाल डाल के मैं बनाऊँगी। चलिए मेरे ब्लॉग में आप लोग मेरे साथ। और कलर कैसा लग रहा है मेरे पे, ड्रेस कैसा लग रहा है, पैटर्न कैसा लगा आपको? अभी और मैंने पांच ड्रेस दी हूँ सिलाने के लिए, सब पैटर्न वाले हैं। मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कैसा पैटर्न दी। लेस बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें लगाई हूँ, तो मैं भी वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो चलो अभी पकाएंगे भाजी तरकारी। तो राज ने ढूंढ के कम से कम एक डेढ़ घंटा लग गया उसको, गया था लहसुन लाने, तो लहसुन लेके आया है वो भी तीन ही। तो चलिए अब बनाएंगे बैंगन का भरता भी साथ में। तो मैं सबसे पहले इधर भाजी बनाने ले लेती हूँ। बर्तन गरम करके मैं उसमें तेल डालती हूँ थोड़ा सा। एक में से एक में सेपू की भाजी, एक में करेले की भाजी, ये दोनों भाजी पक जाएंगी तो उसके बाद में लूंगी बैंगन की भाजी। इसमें प्याज और हरी मिर्च लंबी फाड़ फाड़ के डाल दूंगी, तीन से चार। गैस थोड़ा स्लो रखूंगी और इसमें बनाऊंगी करेले की भाजी। अभी गैस थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, ये दोनों भाजी पक जाएंगी तो उसके बाद में बैंगन की भाजी बनाऊंगी। नरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे मूंग की दाल, धो के मैंने रख दी थी भिगाने के लिए। कुछ खास नहीं है, सब ऐसी पकाते हैं जैसा मैं पकाती हूँ, है ना। तो मेरे को ब्लॉग बनाना था, मेरे को वीडियो बनाना था, तो मैं बोली जैसा मैं बनाती हूँ वैसा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। कि मैंने धो के रखी थी, अभी डाल दूँगी। और इसमें डालूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से, बस। और कुछ नहीं, एकदम सादा खाना है, क्योंकि डॉक्टर ने मसाले वाला खाने सब खाने मना किया है। ये भाजी तरकारी मेरे शोहर को बहुत अच्छी लगेगी, मेरे को अच्छी लगेगी, ईरम को अच्छी लगेगी, पर राज नहीं खाएगा। राज को भाजी तरकारी सादा खाना नहीं पसंद है, उसको तो चिकन वगैरह सब ये मसालेदार खाना, स्टार्टर वगैरह उसको ऐसे ही सब खाना पसंद है, पर आज खा लेगा। अभी इसको थोड़ा स्लो पे पकाएंगे। मैं आधा गिलास पानी डालूंगी क्योंकि हमारी दाल गल जाए, और सेपू की भाजी में भी थोड़ा पानी छूटेगा, और स्लो पे ही पकाएंगे। हाँ, ये प्याज लाल हो रहा है,
करेले की भाजी के लिए इसको मैंने काट के नमक लगा के मतलब थोड़े देर के लिए रख दी थी। अब इसको अच्छे से ऐसा दबा दबा के मैं धो लूँगी, क्योंकि जो भी इसमें थोड़ा कड़ूपन रहता है ना वो निकल जाएगा। इसको भी अच्छे से धो लेंगे ऐसा दबा दबा के। अब प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अभी ये मैंने धो दी अच्छे से एकदम दबा दबा के, पूरा रस निकाली, नमक भी निकाली और कड़ूपन भी निकाली। अब इसको तेल में डाल के फ्राई कर लूँगी। इसको एकदम अच्छे से एकदम फ्राई के जैसा कर लेंगे। करेले की भाजी खाने में बहुत हेल्दी रहती है, उसके फायदे बहुत रहते हैं, पर खाने में ज़्यादा करके सबको पसंद नहीं आती है। मेरे दादी क्या करते थे, करेला काट के सुबह सुबह मतलब वो नाश्ते में खाते थे। करेला काट के खाली घी में फ्राई करके खाते थे, उसको एकदम कड़क कड़क उसके जैसा वेफर्स के जैसा बना के सुबह में नाश्ता उनका यही रहता था, रोटी और करेला घी में। और उनको कोई बीमारी नहीं थी, ना डायबिटीज था, ना शुगर था, ना थायराइड था, ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं थी पहले से बीमारी। अभी जितनी बीमारी निकली है, माशाल्लाह बहुत अच्छी थे, हेल्दी थे, क्योंकि खाते अच्छा थे ना वो। हमारे जैसा बर्गर पिज़्ज़ा ये वो सब नहीं खाए गए लोग, चाइनीज़ आइटम नहीं था पहला, ये सब नहीं था, सब नेचुरल चीज़ खाते थे, भाजी तरकारी वगैरह सब एकदम अच्छा हेल्दी तो अच्छे भी थे। देख लेंगे, पानी भी सूख गया, दाल भी गल गई हमारी, देखो दिख रहा है आप लोगों को। देखो इसका इधर से उधर करना पड़ता है, हो गया। अभी इसको खुली रख के ही हम थोड़ा पकाएंगे। सेपू की भाजी हो गई, मेथी की भाजी हो गई, पालक की भाजी हो गई, हम कितनी ज़्यादा भी लो पकने के बाद में वो थोड़ी सी हो जाती है। अब इसको 5 मिनट खुला रख के और पकाएंगे ताकि इसका पानी सूख जाए अच्छे से। ये देखो पानी भी सूख गया, अभी हमारी ये एक भाजी पक गई है। अब हम इसको ढक देंगे गैस। अभी दूसरी भाजी तैयार हो रही है, ये हमारा करेला अच्छे से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है ना। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, पेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, आधी चम्मच से भी कम लाल मिर्च डालूंगी और ज़रा सी हल्दी डालूंगी, आधी चम्मच से भी कम, और इसमें डालूंगी नींबू का रस, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खट्टा खाते नहीं है घर में। अब ये सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसको रोटी के साथ खाएंगे ना बड़ा मज़ा आता है। अरे सादा ज़्यादा मसाला नहीं, इसमें अदरक लहसुन भी नहीं। ये देखो हमारा करेला फ्राई हो गया एकदम अच्छे से, मसाला वगैरह भी लग गया सब एकदम सूखा सूखा। अब हम कर देंगे गैस बंद और इसको भी ढक देंगे। हमारी दोनों भाजी पक गई है, अब बना लेंगे बैंगन का भरता। तो मेरे को यह बैगन का भरता बनाने के लिए कैसा याद आया, ऐसा तो अपन बनाती है घर में, पर कल रात में मैं देख रही थी मोबाइल इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी, तो उसमें जैकी श्रॉफ जो है ना वो बता रहे हैं कि बैगन के भरते की रेसिपी है, पर वो भाई की उपली में बनाने का बोल रहे हैं, वैसा तो हम नहीं बनाएंगे, हम मैं बनाऊँगी गैस में। तो जैसा बता रहे थे ना कांदा फोड़ के खाने का जवारी की रोटी वैसा, तो फिर मेरे को ऐसा दिल किया नहीं मैं भी बनाऊँ, तो फिर मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ बैगन का भरता। तो चलिए देखो ये भी रेसिपी, ये सब ईजी खाना बनाई हूँ आज, एकदम सादा सुधा सब कुछ ये नहीं है। इसको मैंने अच्छे से धो के ले ली हूँ, ये 1.5 किलो बैंगन है बड़ा वाला, इसको जो छोटे वाले बैंगन आते हैं वो या ग्रीन वाले बैंगन लंबे वाले बैंगन उसमें भी बना सकते हैं। तो इसको हम पहला चीरा मार देंगे ऐसा,
मतलब ऐसा अच्छे से ऐसा ऐसा खोल खोल के दिख रहा है सब, ऐसा चारों तरफ से हमको ऐसा चीरा मार के देना एकदम ध्यान से, वो देखना बैगन खराब ही रहते हैं अंदर, देखो ये खराब है बैगन, देखे कीड़ा था इसमें, तो जितना कीड़े वाला हिस्सा है ना उतना मैं काट के निकाल रही हूँ। कभी भी टमाटर है बैगन है या जो जो भी भाजी हमको अच्छी बनाना है ना तो उसको पहले अंदर से ना पूरा कटिंग करके खोल के देख लेना अच्छे से। दो बड़े प्याज चॉप किए हुए, चार से पांच लहसुन की कली और तीन से चार हरी मिर्च। अब मैं इसके बीच में भरूंगी हरी मिर्च और लहसुन। सब एक एक जगह ऐसा करके सब बराबर रखो, जितना हमारा मसाला है लहसुन हरी मिर्ची वगैरह वो सब उसमें भर देने का, तो बहुत बड़ा गैप हो गया इसके लिए मैं इधर हरी मिर्ची घुसा देती हूँ, तो बाकी जगह लहसुन लगाते हैं। आप इसको सिंगल सिंगल भी करके भून सकते हैं कि अलग लहसुन भूनेंगे मिर्ची भून लेंगे सब करेंगे, पहले बैगन में रख के भूनते हैं ना तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। तो मैंने हाथ पे थोड़ा तेल लगा लियो, अब ये बैगन को अच्छे से हम ऐसा मसल मसल के तेल लगा लेंगे। कोई सरसों का तेल लगाता है तो, पर हम लोग सरसों का तेल नहीं खाते, तो हम लोग जो तेल खाते हैं वो तेल लगा के भी इसको अच्छे से भून सकते हैं। गैस करेंगे चालू, अब बैगन को ऐसा रख देंगे। जैकी शॉप पे लेके बना रही है ये। हाँ, वो इतने अच्छे से बोला ना कि मेरा भी दिल हो गया कि मैं बना के खाऊं। लेकिन ऐसा इसके ऊपर रख के थोड़ी ना बोलते हैं। इस पे रख के भी बनाते हैं, पर वो गांव की स्टाइल बताया ना कि गोबर की उपली में रख के बनाते हैं। अभी अपन क्या खाएंगे वैसा बना के, अपन ऐसा गैस पे भून के हम पहला भी बनाते थे ना घर के ऊपर, मैंने चार महीने पे बनाया। कैमरा चालू है क्या? हां अच्छा, चलो चलो। मेरे को ये इसमें थोड़ा सा जमरा नहीं है बराबर, तो मेरे पास में ये जाली है, तो मैं ये जाली पे इसको ऐसा अच्छे से रख देती हूं, है ना, तो फिर अभी अच्छे से भूने जाएंगे। इसी के ऊपर है ना मैं दो टमाटे भी रख देती हूँ ऐसा साइड में, है ना, वो भी भूने चले जाएंगे। अब ये टमाटे हमारे हो गए, हम टमाटे निकाल लेंगे। ये थोड़ा बैगन है इसको और एक साइड से थोड़ा करेंगे फिर ये भी निकाल देंगे। अब ये बैगन भी हमारा अच्छे से भुने गया है एकदम अच्छे से, अभी गैस बंद कर देंगे और इसको भी करेंगे ठंडा, फिर उसके बाद में इसको पूरा छील लेंगे। टमाटे का कवर निकाल देंगे अच्छे से। हाथ को मेरा चक्का लग गया इधर, तो जब भी समझ में नहीं आया, अभी सब अभी वो जल रहा है, वरना औरतों को चक्का लगे कटे कुछ भी करे, हमको खाना पकाना है तो पकाना है, यही औरतों की जिंदगी है। तो ये जो टमाटर मैंने भून के ले रही थी इसको अच्छे से साफ कर रही हूँ, अभी इसको काट के हम चॉपर में ना थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर देंगे। ये बैगन अच्छे से ठंडा हो गया है, अभी इसको हम ऐसा पूरा साफ करेंगे निकालेंगे ऊपर। इतना भी ठंडा नहीं हुआ है मतलब थोड़ा गर्म गर्म है, फिर भी इसको ऐसा निकालेंगे फटाफट। मैंने कभी इसको एकदम अच्छे से पूरा साफ कर लीजिए, है ना। अब ये जो ऊपर की उसकी जो डंडी है उसे काट देंगे, तो वैसा पूरा इसको मैश कर देंगे अच्छे से। हाथ से भी कर सकते हैं ना, मेरे हाथ में दर्द है तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा मसलने करने या चम्मच पकड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसा करके फिर बाद में आपको हाथ से भी दिखाऊंगी। इसमें भुना हुआ जीरा भी डालेंगे ना लास्ट में, तो अच्छे से हमारा लहसुन को डाल दारा कर दी थी चप्पल में डाल के वो भी डाल देंगे, उसको भी अच्छे से मेल्ट कर देंगे।
अब इसको हम थोड़ा तेल में डाल के गैस पे उसको बघार देंगे। पैन गर्म हो गया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, दो से तीन चम्मच तेल है, ये मेरे स्टाइल में है। थोड़ा मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि राज को नहीं पसंद आएगा, तो उसको मैं थोड़ा बघार दे देती, पका देती हूँ। राज के खाने में बहुत नाटक रहते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। ज़ीरा 1 चम्मच जो चॉप करके रखी थी, थोड़ा सा लाल कर लेंगे, लाल नहीं करना है, इसी तेल में मतलब भून लेना है थोड़ा सा। बैंगन टमाटर जो सब मैश करके रखी थी, नमक टेस्ट के हिसाब से, आधी चम्मच से भी कम हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने स्टील का चम्मच लिया, जो मेरे सामने था मैंने वो ले ली, क्योंकि खाना पकाने के टाइम पर हमको घर में याद नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं, तो जो सामने था वो ले लिया। ऐसा लकड़ी का चम्मच है मेरे पास, पर मुझे अभी हाथ में था सामने तो यूज़ कर रही थी, तो मैंने अभी वही ले ली है। अब मम्मी लोग को आंटी लोग को कहाँ इतना याद रहता है कि नहीं भाई अभी ये कर रहे तो ये दो, ये कर रहे तो ये दो। खाली मैं ये रहता है मम्मी लोग को कि फटाफट काम हो जाए, सब अच्छे से हो जाए, जल्दी से पक जाए, जल्दी से खा ले, है ना। तो बैंगन का भरता भी तैयार हो गया है, गैस बंद कर देंगे। तो मेरा खाना पक गया है, दाल तड़के वाली, बैंगन का भरता, करेले की भाजी, सेपू की भाजी। तो मेरा खाना पक गया है, अभी हम लोग बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। आइए आप लोग भी हमारे साथ में खाने के लिए, और फिर अभी और शाम तक क्या करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, सादी सिंपल सी, मुझे याद से बताना, ठीक है। तो चलो आओ खाना खाने के लिए।